मेहर के घर में उसके डिजाइनर शूज चोरी हो जाते हैं, जो बहुत महंगे रहते हैं। वह तुरंत सीआईडी को कॉल करती है और चोरी की कंप्लेंट करती है। कुछ देर में सीआईडी वहां पहुंच जाती है तो मेहर के घर में टोटल 3 लोग मौजूद रहते हैं। तो सीआईडी सभी से पूछताछ करती है कि जब चोरी हुई तब आप सब क्या कर रहे थे। तो मानव बताता है, मैं तो वीडियो गेम खेल रहा था, मुझे इस चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद घर की कुक बताती है, मैं तो मेहर मैडम के लिए फ्रेश एप्पल काट रही थी, मुझे भी इस चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और लास्ट में गार्डनर बताती है, मैं तो उस टाइम गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी, मुझे भी इस चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सभी की बातें ध्यान से सुनने के बाद सीआईडी तुरंत समझ जाती है कि इनमें से वह चोर कौन है। तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो कि इनमें से चोर कौन है? तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे चोर और कोई नहीं बल्कि यह कुक है, क्योंकि उसने बताया कि तब वह एप्पल काट रही थी, जो कि आपको अभी यहाँ रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन तभी का काटा हुआ एप्पल अभी तक रेड रेड हो जाना चाहिए था, कुछ इस तरह। तो फिर यह अभी तक फ्रेश कैसे रह सकते हैं? मतलब वह कुक झूठ बोल रही है और उसने अभी अभी एप्पल काट के रखा है। तो दोस्तों आपको यह पहेली कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले बढ़ते अब हमारी अगली पहेली की तरफ। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन पागल है। तो दोस्तों सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इनमें से बालपरी पागल है, क्योंकि आप पिक्चर में ध्यान से देखोगे तो यह जेंट्स बाथरूम है और यह बालपरी जेंट्स बाथरूम में इन बॉयज के सामने नहा रही है, जो कि गलत है, इसलिए बालपरी यहाँ पागल है। तो दोस्तों यह तो हुई मेरी राय, लेकिन इस पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।